कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का असर रविवार को भी देखने को मिला। महानगर के प्रमुख क्षेत्रों में दुकानें बंद रहीं। इसके अलावा प्रमुख चौराहों तथा सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला, जिसमें दाऊदपुर चौराहा, विश्वविद्यालय रोड, आरटीओ तिराहा, बेतिहाता रोड तथा गोलघर और जिला पंचायत रोड पर दुकानें बंद दिखी। इसके अलावा रात्रि में भी कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया गया, जिसके तहत शास्त्री चौक, कचहरी चौक, भगत सिंह चौराहा, बेतिहाता रोड तथा गोलघर में भी रात्रि कर्फ्यू का असर रहा। इस संबंध में SVCT सोनम कुमार और CEO कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है तथा 41 जगहों पर बैरियर लगाया गया है और इसी के अतिरिक्त ट्रैफिक डायवर्जन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानदार बेवजह दुकान ना खोले, जनता के सहयोग से कोरोना पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अभी जो संक्रमण बचा हुआ है उसे रोकने के लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी अनावश्यक दुकानें खोल रहे हैं उनके खिलाफ 188 धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CEO कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह और SVCT सोनम कुमार ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां से अधिकतर लोग निकलते हैं और ऐसे जगहों पर बैरियर लगा करके पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगा करके उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। अनावश्यक रूप से जो निकल रहे हैं उनका जो है लॉकडाउन के उल्लंघन में चालान हो रहा है, उनके खिलाफ मुहरियों पंजीकृत हो रहे हैं, वाहन भी सीज किए जा रहे हैं, बिना मास्क वालों का भी चालान किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें, मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इस चीज़ों से उनको जागरूक किया जा रहा है। दुकानें जो छूट प्राप्त हैं वही खुलने दी जा रही हैं। इसके अलावा जो भी दुकानें खुली पाई जा रही हैं उनके खिलाफ महामारी अधिनियम और धारा 144 का उल्लंघन 188 का अभियोग भी पंजीकृत कराया जा रहा है। लॉकडाउन के लेकर के 41 जगहों पे हमने चेकिंग पॉइंट बनाया है और इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जा रहा है। आज बारिश थोड़ी ख़त्म हुई है तो लोग फिर से सड़कों पे दिख रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और पूरी टीम में जो CEOs लगे हुए हैं, खास करके CEO क्राइम और CEO ऑफिस, इन लोगों को भी सड़कों पर उतारा जा रहा है। जो अनावश्यक निकल रहे हैं उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है, गाड़ियों का सीजर भी हो रहा है और जो आवश्यक काम से निकल रहे हैं उन्हें कुछ नहीं बोला जा रहा, बस पूछताछ करके छोड़ दिया जा रहा है। सर जो दुकानें खुल रही हैं बिना परमिशन के, उनके विरुद्ध 188 का मुकदमा लिखवाया जा रहा है।
और मेरी अपील यही रही कि बेवजह दुकानें मत खोलें। कोरोना पे हमने विजय प्राप्त कर ली है, अभी जो संक्रमण थोड़ा बचा हुआ है उसमें विजय प्राप्त करने में हमें जनता का सहयोग की आवश्यकता होगी।